हेलो गाइस, मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ को लेके बहुत सारे मेरे पास जो है वो मैसेज आ रहे थे कि मैम, प्रेगनेंसी में करवा चौथ का व्रत जो है वो कैसे रखना चाहिए, रखना भी चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आपको सभी को पता है फ्रेंड्स, करवा चौथ जो है एक महिला के लिए, चाहे वो प्रेग्नेंट हो चाहे विदाउट प्रेगनेंसी हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भरा ये पल होता है। और ये व्रत भी हम लोग बहुत ही उम्मीद से अपने पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख शांति के लिए और पति पत्नी के प्रेम को अटूट बंधन बनाने के लिए जो है ये व्रत रखते हैं और ये कामना करते हैं कि हमारे पति की जो है भगवान दीर्घ आयु करे। तो ये व्रत जो है ना, हर एक गर्भवती महिला के लिए, और वैसे भी अगर आप गर्भवती नहीं हैं तो ये व्रत आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको अगर प्रेगनेंसी है फ्रेंड्स, तो आपके अंदर ये ख्याल आ रहा होगा कि प्रेगनेंसी में हमारा बेबी भी है हमारे गर्भ में, तो करवा चौथ का व्रत कैसे रखें, हमको तो इतनी ज़्यादा भूख लगती है तो हम कैसे रखेंगे। फ्रेंड्स, मेरी भी प्रेगनेंसी थी जब मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था और मैंने पंडित जी से जाके बात की थी कि मुझे प्रेगनेंसी है तो मैं ये व्रत जो है वो कैसे रखूं। तो उन्होंने जो चीज़ मुझे बताया था वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपका जो करवा चौथ का व्रत है वो बहुत ही इजीली हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, 1 नवंबर 2023 को जो है करवा चौथ का व्रत है, तो ये सभी सुहागनें जो है वो रखती हैं। बहुत सारी मेरी महिला ऐसी होंगी जिनका व्रत जो है वो पहला होगा, जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी पहली थी और पहला ही मेरा करवा चौथ का व्रत पड़ गया था। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको मैंने कई बार बताया है कि मुझे जो है मई में प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी, मई के बाद अक्टूबर या नवंबर में ही मेरा जो है उस टाइम पे छठा सातवां महीना रहा होगा और मुझे जो है करवा चौथ का व्रत भी रखना था। और मैं रखूं क्यों नहीं, क्योंकि मेरे जो ससुराल में है वो पहला करवा चौथ का व्रत रखा है, तो मैं इसको छोड़ भी कैसे दूं। तो आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, तो मैंने सोचा कि व्रत भी रखेंगे और पंडित जी से बात भी करके आएंगे कि मुझे प्रेगनेंसी भी है और बच्चे को भी कोई नुकसान ना हो, तो आप कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरा व्रत भी ना टूटे और मैं व्रत भी रख लूं और मुझे कोई परेशानी भी ना हो। साथ में आपको ये भी लग रहा होगा फ्रेंड्स कि अगर मुझे प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में आयरन, कैल्शियम, और अगर आपको शुगर आया है तो उसकी आपको मेडिसिन चल रही होगी, अगर आपको थायराइड आया है तो उसकी आपको दवाई चल रही होगी, या फिर आपका हाई बीपी है तो उसकी दवाई चल रही होगी। तो आपके मन में ये सवाल भी चल रहा होगा फ्रेंड्स कि करवा चौथ के व्रत में जो है पानी तक नहीं पीते हैं, शाम को पीते हैं, तो क्या मैं अगर दवाई खाऊंगी अपनी प्रेगनेंसी की तो ये मेरा व्रत जो है वो टूट जाएगा या फिर नहीं टूटेगा। तो अगर आपके मन में भी तरह तरह के सवाल जो है वो चल रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में कैसे व्रत रखा था वो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, उससे क्या होगा हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आएगी और आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स कि गर्भवती महिला जो है करवा चौथ का व्रत रख सकती है या फिर नहीं रख सकती है। तो फ्रेंड्स, आप करवा चौथ का व्रत जो है वो रख सकते हो, बट फिर हम कैसे रखें जो कोई भी दिक्कत या परेशानी हमारे बच्चे को ना हो। हर एक माँ के मन में ये सवाल चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको सभी को पता है, मैं यहाँ पे अपना एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप लोग अगर पंजाबी हैं या फिर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पंजाबियों में जो है ना सरगी खाई जाती है सुबह के टाइम पे, जैसे कि 4 बजे उठ के या 5 बजे उठ के जो है ना सरगी खाई जाती है जो मायके की तरफ से आती है। अगर आपके घर में ये रीति रिवाज नहीं है सरगी खाने का, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो आप जो है ना सरगी खा लीजिए। सरगी में आप सेब खा लीजिए, दूध पी लीजिए, ड्राई फ्रूट खा लीजिए, ठीक है। मगर सरगी में ना आपको तला हुआ नहीं खाना है, क्योंकि उसके अंदर फीकी वाली जो मट्ठी आती है ना, मीठी मट्ठी, फीकी मट्ठी, सेवैयाँ वगैरह आती है, तो इससे आपको प्यास लगेगी और आपका जी भी घबराएगा। तो ऑयली चीज़ आपको नहीं खानी है, आपको सेब खा लेना है, आपको नारियल पानी पी लेना है, आपको दूध पी लेना है, आपको ड्राई फ्रूट खा लेना है। इससे क्या होगा, आपको काफ़ी लंबे समय तक जो है आपको भूख नहीं लगेगी। यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आपने सरगी आपके घर में नहीं भी खाई जाती है, तो मुझे पंडित जी ने ये बोला था कि बेटा, आप सुबह उठ के सरगी का ये नियम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, इससे कुछ भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपके मन में चल रहा होगा कि अगर हम सरगी भी ना खाएं तो कैसे चलेगा ये व्रत। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि
आपको जैसे कि सभी जैसे कि उस दिन जो है ना थोड़ा सा आप सोने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सबको ये बोल दीजिए कि भाई व्रत है घर में, तो आराम से थोड़ा सा सो के उठिए। तो अगर आप 7-8 बजे भी सो के उठते हैं फ्रेंड्स, तो घर का काम वगैरह धीरे धीरे करने में जो है ना 12 और 12:30 तक हो जाता है। सर 12:30 बजे के बाद जो है, जब तक हमें प्यास नहीं लगती है, तो थोड़ा सा आपको कंट्रोल भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको प्यास लग रही है तो आपको क्या करना है, जब अपने कहानी वगैरह जब हम सुनते हैं तो हम लोग लेडीज़ इतनी एक्साइटेड होती है तैयार होने के चक्कर में, तो आपको इतना हैवी नहीं पहनना है फ्रेंड्स। मेरा पहला करवा चौथ था तो मैंने लहंगा ज़रूर पहना था, बट लहंगे का जो गांठ है ना वो थोड़ी ढीली बांधना, ठीक है, क्योंकि बच्चा अंदर है तो उसको टाइट से जो है ना वो परेशान हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा ज्वेलरी जो हैवी वगैरह नहीं पहननी, और बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपको सुटेबल लगता है, आपको ठीक लगता है तो आप पहन भी सकते हैं। मुझे सही लगा था तो मैंने हर चीज़ की थी, क्योंकि मेरा पहला वर्ड था ससुराल में। तो कहानी सुनने के बाद जो है फ्रेंड्स, मैंने क्या किया था, कहानी सुन ली थी तो मैंने जो है, पंडित जी ने मुझे बोला था कि बेटा जब कहानी सुन लोगे आप तो आप चाय पी सकते हो, आप चाय पी लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिला होगी कि जिनको चाय के बिना जो है ना सर में दर्द हो जाता है, तो आप चाय पी लीजिए। मैंने भी चाय पी थी। आप जो है ना फ्रूट भी उस टाइम पर खा सकते हो, ठीक है। तो मुझे पंडित जी ने बोला था कि बेटा फ्रूट भी खा सकते हो, बट उस जब आपका व्रत होता है फ्रेंड्स, कोई भी आपका व्रत हो, तो उस टाइम पे जो है ना आपको चक्कू से काट के कोई भी फल नहीं खाना होता। ये जो है ना पंडित जी ने मुझे एक एडवाइस दी थी कि बेटा अभी आपके गर्भ में बच्चा है तो आप किसी भी फल को काट के मत खाना, आप साबुत ही खाना, ठीक है। तो आपको क्या करना, अच्छे से फ्रूट्स को धो के जो भी आपको पसंद हो तो आप वो खा लीजिए, ठीक है, और चाय पी लीजिए। मुझे पंडित जी ने बोला था कि जो क्या बोलते हैं बर्फ़ी होती है, आप बर्फ़ी भी खा सकते हो, उससे भी आपका व्रत जो है वो नहीं टूटेगा, ठीक है। तो आप जो है जब आपने मतलब कि 3-4 बजे बच जाते हैं तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें खा लीजिए। तो आप बोलोगे कि हमारे में नहीं खाते हैं, तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी में आप खा सकते हो। और अगर आपका फर्स्ट बर्थ है तो आपने बहुत सारी महिलाओं के मुँह से सुना होगा कि हमने पहला बर्थ जो है ऐसे उठाया था, तो हम हर साल जो है वो ऐसे ही करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मेरा फर्स्ट बर्थ था, तो जैसे ही मैंने फर्स्ट बर्थ में किया था कि मैं कहानी सुनने के बाद जो है कुछ खा लेती हूँ, तो वैसे ही 4 साल हो गए मेरी शादी को, फरवरी में 5 साल हो जाएंगे, तो मैं ऐसे ही व्रत जो है रखती आ रही हूँ। कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत मेरी लाइफ में अभी तक नहीं आई है, भगवान आगे जाके भी कोई भी प्रॉब्लम जो है ना आए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद जो है थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह उतारने में ही टाइम निकल जाता है। 6-6:30 बजे जो है आप जो है ना ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। पानी पानी का वो है आपको, तो आप अपनी बॉडी को जो है ना हाइड्रेट रख सकते हैं। आप चाय की जगह नरल पानी पी सकते हैं। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स कि ना शाम के टाइम ना हमारी गैस भरने लग जाती है, ठीक है, पूरा दिन हमारा निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर शाम को क्या होगा, जी घबराएगा। जब हम खाना बनाएंगे ना अपना व्रत का, तो जी घबराएगा, चक्कर आएंगे और हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाएगा, हमसे कुछ नहीं कर जाएगा, क्योंकि सर में दर्द बहुत ज़्यादा होगा तो उससे आपको उल्टी भी आ सकती है। तो आपको एक काम ये करना है कि अभी अपने डॉक्टर की कभी भी आपको विजिट हो तो आपको क्या करना है कि गैस की गोली लेके आने, ताकि आपको गैस ना बने। जब आपको गैस नहीं बनेगी ना फ्रेंड्स, तो आपको जो है ना सर में दर्द भी नहीं होगा। तो ये भी मैंने चीज़ फॉलो की थी। और प्रेगनेंसी के दौरान आपकी जो भी दवाई चल रही है फ्रेंड्स, वो आप खा सकते हो, इससे आपके व्रत में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। ये देखिए सारे नियम जो बने हुए हैं ना, ये हम लोगों ने ही बनाए हैं। इधर की सुन ली, उधर की सुन ली, ये सारे नियम हम लोगों ने ही बनाए हैं। भगवान कभी भी नहीं चाहता है कि जो अंदर बच्चा पल रहा है उसको कोई प्रॉब्लम हो या फिर दिक्कत हो या कोई परेशानी हो। तो आप जो है ना साधारण व्रत भी रख सकते हो इसको करके। ऐसा नहीं है कि आप जो है इसको करवा चौथ को इतना हाई ले जाओ, ठीक है, इतना हाई भी नहीं लेना है। खाते पीते रहिए, कोई टेंशन या प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आपने वो गैस की गोली खा ली फ्रेंड्स, तो आपका करवा चौथ का जो व्रत है ये बहुत ही अच्छा निकल जाएगा। इसके बाद आप जो है ना खाने के टाइम जो खाना वाना बनाते हैं, खाना बनाते बनाते और पूजा करते करते ना फ्रेंड्स, आपको खुद मैं बता रही हूँ, मुझे मैंने कभी व्रत, जैसे कि मैं नवरात्र वगैरह का बहुत इजी रखती हूँ, और करवा चौथ का व्रत रखना मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि मैं कैसे इतना भूखा कैसे रह सकती हूँ इतनी देर तक, इतने लंबे प्यास तक लगेगी, कुछ भी पता नहीं लगता फ्रेंड्स, सच में बाय गॉड कुछ भी नहीं पता लगता। शाम के टाइम ना हमें पूजा में और ये
चौकी सजाने में ही इतना टाइम लग जाता है, खाना बनाने में, इतने में जो होता है वो सूरज भगवान, चंद्र भगवान जी जो है वो निकल आते हैं, ठीक है। तो फिर वही अपने हस्बैंड के साथ व्रत खोलना है, तो फटाफट से तैयार होना, ये होना वो होना, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड पने में जो है आपका ये व्रत निकल जाएगा। तो आपको जो है प्रेगनेंसी में ऐसे व्रत रख सकते हो, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम या फिर दिक्कत नहीं आएगी। अगर इस वीडियो को देख के आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं पूरा उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जो करवा चौथ का व्रत है फ्रेंड्स वो आने ही वाला है 1 नवंबर को, और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि मेरे पास जो है वो मैसेज आ रहे हैं। तो मिलती मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, सेफ रहना, इन्जॉय करना अपना प्रेगनेंसी को। बाय बाय, टेक केयर।